आपने मुनीर का वार्ड से पर्चा भरा है हाँ जी बीजेपी के द्वारा जी। किस मुद्दों के साथ किन मुद्दों के साथ आप मैदान में जाएंगे? हमारा मुख्य लक्ष्य है साफ सफाई, पार्किंग से संबंधित जो भी समस्या है उनको दूर करना और लोगों की समस्याएं सुनना, और जहां तक हो हमारा बस मेन लक्ष्य यही है, सबका साथ सबका विकास। सर क्या कहेंगे आपकी जो कैंडिडेट है वो मैदान में उतरी, हालांकि आपका सपोर्ट पूरा है इनके पास, तो मुद्दे कौन कौन से रहेंगे, कैसे आप लोगों के बीच में जाएंगे? जी ज़्यादातर तो वैसे तो MCD का मुद्दा साफ सफाई का रहता है, पर हमारा गांव लगता है तो हमारे कुछ गांव के अपने मुद्दे हैं जिन पे बहुत तरीके से काम किया जाएगा और ध्यान दिया जाएगा। जो हमारे गांव के वालों की मेजर समस्याएं हैं जिन पे कई टाइम से काम नहीं हुआ है, उन पे सब पे काम किया जाएगा, यहाँ तक कि जो रोड वगैरह, पार्किंग वगैरह, जो जो जहाँ जहाँ जो जो कमी है उन सबको पूरा तरीके से पूरा किया जाएगा। हमारा मेन मुद्दा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट है और कुछ नहीं है। विनीत जी, तीनों पार्टियों ने मुनीरका वार्ड से टोकस को ही टिकट दिया है जी, तो ये क्या वोट बटने के इसका नुकसान होगा? नहीं नहीं जी, कोई नुकसान नहीं है इसका। आम आदमी पार्टी की टिकट वैसे भी मोहम्मदपुर गांव में गई है, तो वो तो अलग ही मुद्दा हो गया। और कांग्रेस का तो कोई, आपको सबको ही पता है कि कोई वजूद ही नहीं है, तो मुनीरका वार्ड मुनीरका से जाना जाता है, तो मुनीरका से टिकट हमें मिली और हम सीट निकालेंगे। पीछे जो जाओ यहाँ पे काउंसलर रहे, कहीं ना कहीं कई लोगों को उनसे शिकायत रही, उसको कैसे दूर करेंगे आप? जी लोगों से मिलेंगे, उनके बीच में जाएंगे, जो उनकी समस्याएं हैं, जो भी पिछले लोगों ने काम किया नहीं किया मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर हम अपना जो काम है वो पूरी तरह से करेंगे और अपना जो लोगों से वादा किया उसको निभाएंगे। प्रतिद्वंदी किनको मानते हैं? कोई प्रतिद्वंदी नहीं है जी, मेरे को तो नहीं लगता हमारे खिलाफ कोई खड़ा हो पाएगा। जीत पक्की मानती मानते हैं? 100% जीत है जी, जीत के निकलेंगे। पार्टी ने हमारे को जिम्मेवारी सौंपी है, पार्टी को यहाँ से विजयी करा के निकलेंगे, इस बात की गारंटी है। विनीत जी, मुद्दे क्षेत्र के जो वार्ड के रहेंगे वो क्या समस्याएं रहेंगी या विकास हुआ है उस पर वोट होएगा? विकास पे होएगा जी, समस्या तो सुनी ही जाएंगी पर समस्याओं को समाधान के तौर पर सुधार के और उनमें उसको विकास में बदला जाएगा। आपने तो समस्या गिनवाई कि जी हमारे क्षेत्र में तो विकास ही नहीं हुआ। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हुआ है बट चलता है जो है, वो भी पार्टी के ही लोग हैं, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना जो है, हम अपने अपना गारंटी ले सकते हैं जी, हम काम आएंगे तो बहुत काम करके दिखाएंगे।